हेलो हिमांशु भैया, हेलो हेलो। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ मरने का सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखो आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर लाता है। पांडव का संदेश आ लाए दो न्याय अगर तो आधा दो इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से गाएंगे परिजन पर हसी न उठाएंगे पर दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को साधने चला जो था साथ दूसरे साधने चला जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया अपना स्वरूप विकराल किया डगमग 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 दिग्गज डोले भगवान को पिथो कर डोले जंजीर बढ़ाकर साधने हाहा दुर्योधन बांधने भूलोक अतल पाताल देख या देख जगत का आदि सिर या देख महाभारत का रण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान कहां इसमें उसे पटी हुई तू है पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुलतर जाल देख पद के नीचे पाताल देख या देख जगत का आदि सिरन या देख महाभारत का रण। यस भाई यार ये समझ में नहीं आ रहा, मैं पिछले 3-4 महीने से मेहनत तो कर रहा हूँ पर व्यू नहीं आ रहे और व्यू आ भी रहे तो वॉच टाइम 1 मिनट हो जा रहा 30 सेकंड हो रहा घटते जा रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। हिमांशु भाई क्या होता है व्यूज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज़, मतलब शुरू से मतलब ऐसा नहीं होता कि शुरू से सबको सफलता एक साथ मिल जाए, थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा लोगों को पसंद आ रहा है कॉन्टेंट आपका या नहीं आ रहा है। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा होगा और बहुत सुंदर होगा, मतलब किस बेस पे स्क्रिप्ट क्या है आपकी, अगर उनको पसंद आएगा तो आपका व्यूज़ देखेंगे, व्यूज़ उससे बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, सब उससे होता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इंतज़ार करना पड़ेगा। यस भाई अब समझ में आया, एक वीडियो में मैंने कंटेंट पे तो ध्यान दिया मगर उसकी स्क्रिप्ट में ध्यान नहीं दिया, तो कंटेंट में थंबनेल में दिखा तो बहुत व्यू आए लेकिन वॉच टाइम 30 सेकंड रहा, और फिर दूसरे में मैंने कंटेंट में थोड़ा कम ध्यान दिया और स्क्रिप्ट में ज्यादा ध्यान दिया तो पहले व्यूज तो कम आए लेकिन वॉच टाइम उसका पूरे 16 मिनट था। तुमने बहुत सही बताया लेकिन भाई यस इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं,
कि पहले कंटेंट तैयार करो, फिर उसकी स्क्रिप्ट लिखो, फिर स्क्रिप्ट को तैयार करो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर उसको देखो, फिर उसमें और सुधार करो। ऐसे में तो एक वीडियो को एक एक महीने लग जाएगा, इंतजार ना करना पड़ेगा। फसल पकने तक इंतजार करता है किसान, उसके बाद ही काटता है। आप भी थोड़ा इंतजार करिए। हेलो हिमांशु, हिमांशु मोहन आ गया जी, रात में आई। अरे सूर्या, राधे 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 राधे। यार सूर्या भाई, YouTube में व्यूज कम आ रहे और लाइक भी कम आ रही, समझ नहीं आ रहा मैं करूं तो करूं क्या करूं। देख हिमांशु, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि अगर तुझे YouTube पर काम करना है तो कर, अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़, लेकिन नहीं तो तू पढ़ रहा है और नहीं तो तू अच्छे से YouTube पर काम कर रहा है, और तुझे 10 दिन नहीं हुए YouTube चैनल को बनाए हुए और अभी तुझे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, व्यू चाहिए, तो ऐसा सब कुछ नहीं होगा, इतना याद रखना। और YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाता है, किसी किसी को 5-6 साल भी लग सकते हैं। अगर ये रास्ता अगर तूने चुना है कि YouTube पर ही तेरा भविष्य बनाना है तो बना, लेकिन अच्छे से काम कर। अब तू तो यार किसी के दूसरे मोबाइल में सब्सक्राइब किए थे तो बस, वो मैं नहीं देखता हूँ आपकी वीडियो, साफ साफ बोल रहा हूँ, नहीं देखता हूँ। अब समझ में आया, साला घर का सिक्का खोटा है, तू मेरा वीडियो नहीं देख रहा तो वायरल कैसे होगा। मैं नहीं देखता हूँ, नहीं होगा वायरल, और मैं साफ साफ बोल रहा हूँ मैं तेरा वीडियो नहीं देखता हूँ। तुम लोग जलते हो मेरे से, मुझे पता चल गया तुम लोग जलते हो। तू ही नहीं चाहता मैं YouTube में सक्सेस हूँ। नहीं मैं नहीं चाहता भैया, तेरे साफ साफ बोल रहा हूँ। भैया किसी के कहने से अपना फैसला मत बदलना, वो और मैं तुम्हें बस मतलब ज्ञान दे सकते हैं लेकिन तुम्हें कल को रोटी नहीं देंगे, इतना याद रखना। अगर तुम्हारी इच्छा है कि तुम अगर YouTube पर काम करना चाहो तो तुम मन से काम करो YouTube पर, तुम्हें कौन रोकने वाला है। नहीं आपकी बिल्कुल हाँ नहीं सही है मानसू भैया, लेकिन आप अपने मन की बात दूसरों की। हाँ जी बिल्कुल, आप नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हो ये तो, लेकिन सफलता एक दिन या कुछ महीनों में नहीं मिलती,
बल्कि एक दिन जरूर मिलती है। ये क्या है, डायरेक्ट 95 से 47 पर आ गए। मतलब थोड़ी मतलब डरना भी है। जब कोई आया था ना जरूर में आया स्टार्ट ये किताब किसान जो फसल बोता है तो वो तुरंत नहीं काटता। ओके किसान भी करता है, फसल बोने तक फसल नहीं काटता। सही तो यहाँ न्याय आधा नहीं हो पा रहा, दिमाग लग नहीं रहा, इतनी भी हलचल में तू पढ़ाई कर रहा है, ये नहीं मदद कर रही। अगर वो वीडियो काट दे तो क्यों।